को टच करने से इंसान की डेथ भी हो सकती है। तो कौन कौन खाता है कच्ची मक्खी मेरी तरह? और अब तो जिद है खुद से हालात को भी बदलना है, जो मुकद्दर में नहीं उसे भी तकदीर में लिखना है। हमें पता है हमारी ज़िंदगी में मुश्किलें बहुत आएंगी, पर फिर भी यूं ही चलते जाना है। हरिओम, तो स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में, और मैं हूँ HP मांजल, डिस्ट्रिक्ट मंडी के एक छोटे से गांव से। ब्लॉग को शुरू करने से पहले जो चैनल में नया, सबसे पहले कर दो चैनल को सब्सक्राइब। और आते ही हम बात करें आज के मौसम की, तो आज का मौसम इतना साफ है, आज का मौसम कहीं पे फिर से कोई बादल नहीं है। तो देखा, आज का मौसम भी बिल्कुल साफ होके रखा है। और मैं सुबह से उठी हूँ, और सुबह से पता है मैंने क्या काम कर लिया? उठते ही मैंने ये काम किया। तो चलो चलते गौशाला की तरफ। और आज लगी मेरी ड्यूटी सुबह सुबह गोबर खोलने की। शुक्र है रोटी बनाने से मैं बच गई। रोटी बनाने से अच्छा है मैं रोज गोबर खोलूं। फटाफट से गोबर निकाला, लेकिन रोटी अब कौन ही बनाए। और इसके बाद मैं नहाई धोई और अब चल पड़ी हूँ मैं जंगल की तरफ अपने पशुओं को लेकर। और लेकिन उससे पहले मुझे अपनी गाय को डालना है घास। सबसे पहले ये करते हैं, उसके बाद चलते जंगल की तरफ। फिर चलो जाना था अपने पशुओं को लेकर, और साथ में मैंने लाया ये खाने के लिए। रुको नज़दीक से दिखाती, नहीं तो आपको पता ही नहीं लगेगा क्या ही खा रही हूँ और क्या ही दिखा रही हूँ, है ना। ये देखो, ये खा रही हूँ मैं कच्ची मक्की। तीन चार लाए थे मैंने, एक मैंने खा भी लिया, और छोटे छोटे लाए मैं, ज़्यादा बड़े नहीं लाए। तो मैंने लाई ये कच्ची मक्की। तो कौन कौन खाता है कच्ची मक्की मेरी तरह? और ये टेस्टी ना बहुत ही ज़्यादा है। और साथ में ऐसा मौसम हो, आसपास पहाड़ी पहाड़ और अच्छी धूप, और चाहिए क्या। और आपको पता है वैसे भी जंगल में कुछ भी मिले खाने के लिए वो टेस्टी होता है। और वैसे भी आपको लग रहा होना ये कच्ची मक्की है, दिख रही है कच्ची ना, पर ये कच्ची नहीं, ये पकी हुई है। ये ना हमने पानी में पकाई है और ऊपर से नमक डाला है। एक होती है दूसरी जिसे पकाते हैं हम राख में, और जो राख वाली होती है वो पेट में पचती नहीं और उसे खा के बीमार हो जाते हैं। और ये जो हमने पकाई है पानी में, ये बहुत ही ज़्यादा हल्की रहती है खाने के लिए, और इसे खा के बीमार भी नहीं होते, चाहे जितनी भी खा लो। ये सब ना दादू दादी किया करते थे, दादी बनाते थे पहले बहुत ही ज़्यादा, वो ऐसे ही खाते थे, उस तरह से कम खाते थे, ऐसे ज़्यादा खाते थे, क्योंकि इसमें बीमार भी नहीं होते इसको खा के। तो ये जो ना टेस्टी भी बहुत ही ज़्यादा होती है। अगर आपने पानी में पका के बनानी है तो उस मक्की के दाने ना बिल्कुल सॉफ्ट होने चाहिए, वो ही अच्छी होती है। अगर हो गए हार्ड तो ना ही उसे खाने में मज़ा आएगा, ना ही टेस्ट आएगा। आप भी ज़रूर ज़रूर एक बार ट्राई करना, देखना कि कैसी होती है खाने में। Thank you.
गुड मॉर्निंग। अभी तो अच्छी से सुबह भी नहीं हुई है। खाना खाते फटाफट फिर निकलना भी है। तो हम चल पड़े आज सुबह सुबह ही घास काटने, और मेरी जो नींद ही नहीं जा रही थी, ठंडे पानी से आंखें धोई तब जाके आंखें खुली। और हम सुबह इसीलिए जा रहे क्योंकि बाद में धूप लगती, तब धूप में काट ही नहीं जाती। चल मम्मी पापा निकल गई, मैं ही पीछे हूँ। चलो तो ये लग रही है धूप, और ये धूप की किरण बस थोड़ी थोड़ी दिखाई दे रही है मुझे इस चोटी पे, पर कैमरे में नहीं आ रही है। और ये जो दिख रही है सी यही है धूप की किरण। तो ये चढ़ाई चढ़ के जाना मैंने यहाँ से होके, और इधर 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 होके, और वहाँ पे आज जैसे घास काट दिए ना नीचे से, अब काटेंगे हम यहाँ ऊपर से, आज ख़त्म कर देंगे यहाँ पे। जीने तो मेरे से पहले पहुंच गया, दिखी नहीं हूँ वहाँ गिरा नीचे। जीनो पहले पहुंचते है कुत्ते। तो ये रहा सामने वाला पीछे लास्ट गांव हमारा, और इसके सामने पहुंच गई हूँ मैं जहाँ पे मैंने घास काटा है, इसके सामने ही काट रहे हम घास। और ये रही मम्मी यहाँ पे, और यहीं से हमने काट के नीचे की साइड फेंकना है सारा घास, और फिर एक जगह इकट्ठा करना है नीचे, और उधर ही सुखाएंगे और सीधे फिर घर। और यहाँ से दिख रहा है मेरा गांव, थोड़ा थोड़ा छत दिखाई दे रही है। तो चलो हम भी चलते अब जीनू के साथ नीचे घास काटने। चल जीनू, गुड। पत्थर होगा मार देगा ये रुकते हैं। तो यहाँ से काट लिया हमने ऊपर से, और जब घास हटती है ना उसके बाद डर होती है कि कैसे काटा यहाँ से, और हम ऐसी ऐसी जगह पे पैर रख देते जब घास होती है, फिर घास हटती है फिर देखते कि ऐसी जगह पे पैर रखा था। लो एक तीन का ही काफ़ी होता है सारे के लिए, क्यों। अभी तो सिर्फ हमने आधा काटा है, और उधर पापा, बीच में मम्मी, और यहाँ से मैं हूँ। तो ये जो पौधा आपको दिख रहा है ना, इसको टच करने से इंसान की डेथ तो नहीं होती, पर हालत जो है बहुत ही नाजुक हो जाती है। ये पता लगता कैसे, कोई टच करे छूने से, या किसी को लगता है मात्र देखने से, और कोई काटे तब लगता है, और इसके अंदर होता है दूध, वो लग जाए तब लगता है। मतलब ये पावर होती है इंसान के शरीर में, किस तरह से वो ऐसी चीज़ों से लड़ता है और किसको किस तरीके से लगता है। और मैंने जो है ना गलती से काट लिया, काट के मैंने नीचे फेंका था, तो मम्मी बोलती तूने कहाँ से काटा, मैं कहा ऊपर से, और हम बोलते इसको अपनी पहाड़ी मैं रिखल, तो मम्मी बोलते रिखल है ये। अब देखते मेरे शरीर में कितनी ताकत है इन सब चीज़ों से लड़ने की,
और जब ये लगता है पता है शरीर पे क्या क्या होता है, पूरे शरीर में जो दाने दाने आ जाते हैं और पूरा शरीर फूल जाता है, और किसी को कुछ ज़्यादा ही हो जाता है, किसी को कम होता है। अब देखते हैं मेरे शरीर पे असर होता है या नहीं इस चीज़ का, मेरे शरीर में कितनी ताकत है इससे लड़ने की। और आधा से ज़्यादा मैंने काट के फेंक दिया ये। और आप बताना भी आप लोग क्या बोलते हैं इसको, और हम बोलते हैं रिखल। तो इस तरह से होता है, तो नज़दीक से दिखाती हूँ, दूर से दिखाई नहीं दे रहा होना सही से आपको, है ना। तो इस तरह से होता है ये देखने में, इसी की तरह होता है एक और, पर वो थोड़ा सा अलग होता है, मतलब माड़ा मोटा ही फर्क है, ज़्यादा नहीं है। तो मैंने सोचा वो वाला घास होगा, पर वो नहीं था, ये तो वो है जो लगता है। और ये देखो ये फेंका मैंने काट के यहाँ पे, और यहाँ पे नीचे जैसे आधा जो है घास में लिपट के चला गया नीचे। हुआ देखो ये कहाँ पे, पहाड़ के बीच में जाके बहुत बड़े बड़े पेड़ बन जाते हैं इनके, बट ये अभी फिलहाल छोटा सा ही है, ज़्यादा बड़ा नहीं हुआ है। पड़े अब घर, और साथ में घास भी ले जा रहे थोड़ा जैसा गाय के लिए, और ये भी लाया हमने साथ में ही। हम यहाँ पे आए थे तब धूप निकली भी नहीं थी, अब देखो धूप कहाँ पे जाके पहुँच गई। बारह मेरे को हालत से यहाँ से उतरना, नीचे खेत में पहुँचना, और फिर घर भी रहा उधर जाके। ये इतना कई को ले जाने उठा के मैं फेंकूँगी इधर से इसको नीचे, पर नीचे ले जा रही है घास, डर ना जाए। पहुंचा मागस, ये ले आप दरास्ते खुल के आओ, बाढ़ में जाए मैं ले जाना। अब तो 4 बजने वाले और धूप यहाँ पे पहुंच गई, और थोड़ी देर बाद जो सनसेट भी हो जाएगा। तो चलो जुट जाते हैं अब अपने काम में, और यहाँ पे डाल रखे कपड़े ही नहीं धोते पहले। जीनू, जीनू की आवाज सुनी थी मैंने यहाँ पे, जीनू आ जाओ यहाँ। तो जीने देखा सुनी थी मैंने आवाज, चल आ जाओ जल्दी जाना हमने, आ जा। अच्छा तो यहाँ पे रखा है मम्मी ने, दिन को ही काट के। अब करते शाम की डिनर की तैयारी, और आज डालेंगे हम सारी मिक्स सब्जी जितनी भी है मेरे पास। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यहाँ से कड़वे करेले से। थोड़े से बैंगन ले जाएंगे साथ में मिक्स, और साथ में यहाँ पे हरे टमाटर इनको भी ले जाएंगे साथ में, थोड़े जैसे ज़्यादा नहीं। यहाँ पे इतने बड़े बड़े फ्रास्ट बिन मैंने इनकी सब्जी कभी खाई नहीं है, तो थोड़े जैसे मिक्स इनको भी डालते, ये हमारे नहीं है बट किसी और के, तो मैं ले जाऊँगी इनको भी। ये ना कुछ लग टाइप के फ्रास बीन है, जो दूसरे होते वो तो काफ़ी सारे खाए, पर ये वाले नहीं मैंने कभी खाए। और ये इनकी बेले देखो कैसी इतनी ऊपर तक गई है, दूसरे जो होते उनकी नहीं जाती इतनी ज़्यादा।
और साथ में यहाँ पे फ्रॉड भी होगी, इतने बड़े बड़े तो इनमें से ले जाऊंगी मैं एक निकाल के। और साथ में ले जाऊंगी भिंडी। निकाल ली मैंने सब्जी, ये रही मेरी आज की सब्जी, इतनी सारी मिक्स कर दिए। तो चलो धोते उसके बाद काटते बैठ के, अब यहाँ पे काटूंगी मैं बाहर बैठ के, अब खुली हवा में। कुछ भी नहीं हो उस पौधे को टच करने से, और हाँ अगर दूध लगता तो पक्का ही हो जाना था। और ये जो पिंपल है ये ना मेरे को सुबह आ गई थी उसकी वजह से नहीं, और बस वो ऐसे होते ही नहीं है, वो लग से होते हैं। और फिर अब हो गया सोने का टाइम, थक गई हूँ पूरा दिन काम कर करके। फिर आपने करना वीडियो को लाइक शेयर कमेंट, और चैनल को करना है सब्सक्राइब। एक ज़रूरी बात बोलना मैं भूल ही गई, और जिन्होंने बाकी की वीडियो नहीं देखी तो सामने लिंक आ रहा है, जाके देख लो। मैं मिलूंगी एक और नई ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए गुड नाइट।